ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रेवाड़ी जिले के गांव झाड़ोदा के निवासी देवेंद्र नाम के शख्स ने न्याय न मिलने से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पिछले साल उसने कोसली रेलवे स्टेशन पर मधु नाम की महिला से एक प्लॉट लिया था। अप्रैल महीने में उसकी रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन मधु उसके पति सीताराम और पूर्व सरपंच होशियार सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिलकर पैसे हड़पने की साजिश से एक फर्जी इकरारनामा तैयार करवाकर उस प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली। जब उसे इस बात का पता चला तो देवेंद्र ने कोर्ट के माध्यम से इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इसके बाद इन लोगों ने उसे जान से मारने और उस पर रेप के मामले में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी। वहीं देवेंद्र ने स्थानीय पुलिस से लेकर सीएम तक से गुहार लगाई, लेकिन जब कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने मजबूरन मौत को गले लगा लिया। हाँ जी, उसने आत्महत्या की है और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने सारी कहानी लिख डाली है। और विशेष तौर पर जब भी मेरे टेलीफोन से बात होती थी उससे तो वो मुझे बताता था कि कोसली में नवल किशोर, मधु देवी, हरीश, विक्रम ठेकेदार के कुछ और बंदे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि तेरे को जीने नहीं देंगे, तेरे परिवार को भी उठवा देंगे और तेरे को इतना मजबूर कर देंगे कि तू तो आत्महत्या कर लेगा। कौन लोग हैं ये, क्या करते थे, क्या लेन देन था, कारण क्या था? प्रॉपर्टी डीलर हैं जी, और जो देवेंद्र है इसने मधु से कोई प्लॉट एग्रीमेंट किया था 2016 में। तो उस एग्रीमेंट का जब टाइम पूरा हुआ, 2015 में किया था, टाइम पूरा जब एग्रीमेंट का हुआ तो ये रजिस्ट्री के लिए कहने लगा, तो ना उसने पैसे दिए ना रजिस्ट्री कराई। इसने वहाँ जाके तहसीलदार के साहब के सामने हाजिरी लगा दी, लेकिन इनके जो संपर्क थे मधु देवी के, जो एक दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में नवल किशोर जी है जो कि संजय गोयल और विक्रम ठेकेदार के बहुत ही रसूखदार लोगों में से माने जाते हैं। ये देवेंद्र कुमार सनोप है, कृष्ण चंद्र जाति ब्राह्मण और झाड़ता का रहने वाला है। ये तो प्लाट प्लूट का कोई इस तरह मामला सामने आया है, बाकी आगे तो पूरी कार्रवाई की जाँच के बाद ही पता चलेगा। तो ये परेशान था कुछ दिन से, इस संबंध में 4-5 आदमियों के नाम लिखाए हैं, इस वजह से इसने पॉइजन ले लिया रात को। इसके बाद इसको नहाल हॉस्पिटल करीना में एडमिट कराया गया, वहाँ से इसकी मौत होगी और उसके बाद ये यहाँ जी त्रिवाड़ी मिली है। सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, सुसाइड नोट मिला है। वो सुसाइड नोट जो मृतक है इसका बहन हुई है मनोज कुमार, उससे उसने हमें दिया है, उसको कब्जा में ले लिया है। पांच लोगों के नाम भी आए हैं सामने, जिनकी दबाव बनाया जा रहा था लगातार। पांच आदमियों के नाम इस जो लेख है इसमें आए हैं, वो हमने कब्जा में ले लिया है। जांच करके जो कार्रवाई होगी हम लोग लाई जाएंगे।